गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता टीचर हूँ कंपोजिट स्कूल गोयना डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से पीडीएफ बनाएं। हम ये जानेंगे कि कैसे हम गैलरी से फ़ोटोज़ लेके पीडीएफ बना सकते हैं, साथ ही कैसे हम खुद से पिक्स क्लिक करके फिर उनकी पीडीएफ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक स्कैनर की। तो इसके लिए हमने एक इंडियन स्कैनर अडोब स्कैन को हमने सेलेक्ट किया है और हम इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है एक ब्लू कलर का, इसमें कैमरे जैसी पिक बनी हुई है, यही अडोब स्कैन है। अब हम इसको क्लिक कर लेते हैं। हमने इसे ऑन किया है और वेट करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ सामने कैमरा ओपन है, नीचे एक बुक रखी हुई है और हम चाहते हैं कि इस बुक की कुछ पेजेस की हम पीडीएफ बनाएं। तो सबसे पहले हम इसके कैमरे को ऑन करते हैं। ये हमने इसका कैमरा ऑन किया और अब ये इसने इसको फोटो क्लिक हो गई है। इसमें रिसाइज करने का एक ऑप्शन आता है, हम उसको रिसाइज कर सकते हैं। ये हमने इसको रिसाइज किया और हमारी एक क्लिक आ गई है। अब हम एक और फ़ोटो लेना चाहते हैं। हमने अंदर एक और पेज इसका खोला और अब हमने इसको क्लिक किया। ये देखिए, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पेज को बिल्कुल अच्छी तरीके से मार्जिन्स ले लेता है। फिर हमने कंटिन्यू किया इसको, ये हमारी एक और क्लिक आ गई, राइट। इसके बाद में अब हम चाहते हैं कि कुछ पिक्स हम गैलरी से भी लें, तो हम गैलरी में जाते हैं। यहाँ पर कुछ हमें फ़ोटोज़ दिखाई दे रही हैं, इन्हीं में से हम कुछ फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें सही लगे। ये सिर्फ क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हमने ये दो फ़ोटोज़ और ले ली। हमने इसको राइट किया, ये हमारी दो फ़ोटोज़ में और आ गई। अब यहाँ पर लिखा रहा है पेज 1 of 4, यानी कि टोटल 4 पेजेस यहाँ पर आ चुके हैं। हम देखना चाहते हैं कि पेजेस किस तरह से आए हैं, तो ये देखिए, ये हमारे चारों पेज आ गए हैं। अब हम इनको पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, तो देखिए इसमें ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेव पीडीएफ का, हमने इसी को क्लिक किया। अब ये सेविंग मोड में चला गया है और हमारे जो चारों पेजेस हमने क्लिक किए हैं वो अब सेव हो रहे हैं। ये सेव हो रहा है, अभी अपलोडिंग हो रही है डॉक्यूमेंट्स की। इसमें समय लग सकता है, कभी कभी कुछ सेकंड्स और कभी कभी एक मिनट, तो ये डिपेंड करता है मोस्टली हमारे नेट की स्पीड कैसी है। तो आजकल क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो ही चल रहे हैं सभी के, तो यहाँ प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये रिकग्नाइज करता है वैसे भी टेक्स्ट को, तो उसमें भी कुछ टाइम कंज्यूम होता है। तो हम वेट करते हैं इसका कि कब ये रिकग्नाइज करे, कब ये हमारे पीडीएफ तैयार करे। उसके बाद देखें, हम साइड में यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं, शेयर, प्रीव्यू, कमेंट और मोर। तो हमें शेयर करना है तो हम ऊपर वाला ऑप्शन ले लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम शेयर करने से पहले हम इसको व्यू करें, तो इसके लिए हम दूसरा जो ऑप्शन है वो हम ले लेंगे। अभी प्रोसेसिंग अभी भी चल रही है, ये देखिए अभी प्रोसेसिंग पूरी हो गई है और हम इसको शेयर करना चाहते हैं, तो हमने इसको शेयर पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारे सामने तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, शेयर लिंक, ईमेल या शेयर अ कॉपी। तो अगर हम लिंक भेजना चाहते हैं तो ऊपर वाला क्लिक करें, और अगर हम ये कॉपीज़ की शेयर करना चाहते हैं तो नीचे वाला, तो हम शेयर और कॉपी पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारे सामने ऑप्शंस आ गए हैं कि हम इसको कहाँ शेयर करना चाहते हैं। हम इसको कई ब्लूटूथ के माध्यम से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी हम इसको शेयर करना चाहें। जैसे हमने एक ऑप्शन लिया व्हाट्सएप का, ये मोस्टली डॉक्यूमेंट्स हमसे व्हाट्सएप पे मंगाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे हम आते हैं और कोई जिस नंबर को हमें भेजना है वो हमने सेलेक्ट किया, और ये अब हमारा लोड हो रहा है, मटेरियल सेंड हो रहा है। और जैसे ही ये लोडिंग कंप्लीट होगी ये पीडीएफ हमारी सेंड हो जाएगी। आप जितना इसके ऑप्शंस को चेक करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसको पीडीएफ को खोल के देखते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई पीडीएफ व्यूअर होना चाहिए, जैसे मैं इसको ड्राइव पीडीएफ व्यूअर के ज़रिए ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास पीडीएफ आ गई है 4 पेजेस की, और हम इसको इस तरह से स्क्रॉल करके देख सकते हैं।
ये हमारा जो एक पेज था इसको जब हमने लिया था उसी समय हम इसको रोटेट कर सकते थे, तो इसमें रोटेशन का ऑप्शन भी आता है। आई होप इससे अब आपको पीडीएफ बनाने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।